सुनने भी आए हैं, देखने भी आए हैं, मदद में भी आए हैं। मदद में भी आए हैं, किस तरह का मदद करेंगे? है? मदद किस तरह का करेंगे? वोट का योगी जी नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा ना, योगी जी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, हमारे लिए कुछ नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया है? नहीं, उसकी एक तो उसकी सरकार में जो है उत्पीड़न इतने बच्चों के लिए मतलब उनके बलात्कार हो रहे हैं। अभी हुआ था, तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब गलत है। उनका अंधविश्वास है, दूसरों को ये बहकाते हैं, सब कुछ दिखावा करते हैं। वो सिर्फ दिखावा ही है उनके। उसका काम अच्छा नहीं है इसने। हमारा उद्धार मंदिर से नहीं, हमारा उद्धार स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से, अस्पतालों से होगा। भारतीय जनता पार्टी में नकद पैसा लेकर जाते हैं, लेकिन हम उधार आए हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो हर गरीब पैसे वाला होगा। साथियों नमस्कार, जिस तरह से हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि हम लखनऊ में पहुंचे हैं, जहां पे मानवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उस पुण्यतिथि पे संबोधित कर रही हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। तो वहाँ पे काफ़ी महिलाएं उपस्थित हैं और जो है बुजुर्ग उपस्थित हैं, युवा उपस्थित हैं। हमारे साथ में इस समय महिला हैं, हम इनसे जानेंगे किस लिए आई हैं, किसको सुनने आई हैं, इनका मकसद क्या है यहाँ आने का। तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम लता गौतम। लता गौतम कहाँ से हैं आप? अमरोहा से आई हूँ। अमरोहा से जी। क्या करने आए लखनऊ में? बस यहाँ बहन जी को देखने आए, बहन जी को सुनने आए। बहन जी को देखने आई थी, बहन जी को सुनने आई थी। हाँ जी। अच्छा, कब से चले अमरोहा किसे? अमरोहा से जो है यहाँ के लिए कब से? अमरोहा से हम 7 तारीख में चले थे। 7 तारीख को चले हैं, आज 9 तारीख है। आज 9 तारीख हो गए। कितने बजे पहुँचे थे आप लोग? अब यहाँ 10 बजे पहुँच गए थे, 8 तारीख में। अच्छा। सुबह 10 बजे सुबह, कल सुबह से आए हैं आप लोग। खाना जो भोजन पानी कैसे हुआ? भोजन पानी भी मिला है, लेकिन भोजन भी किया है, पानी भी मिला है, सारी व्यवस्था। क्या इसके पहले कभी मायावती को आपने देखा था? जी देखा है। कहाँ पे देखी थी? हमारे ही अमरोहा जिले में पागवड़े में आई थी, वहाँ पर देखा था हमने। अच्छा। और अमरोहा में भी आई थी, वहाँ पर भी देखा था, 2-3 बार पहले हम देख चुके। मायावती कैसी लगती हैं आपको, कैसी नेता हैं? अच्छी नेता हैं, शेरनी नेता हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि बहन जी इस बार सत्ता में आनी चाहिए। हम बिल्कुल जोश और होश के साथ हम बहन जी के साथ हैं। अमरोहा में जो है बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारी चल रही है आपकी तरफ से? जी अच्छी खासी तैयारी चल रही है अमरोहा में, और लगता है कि बहन जी अब की बार सत्ता में आ ही जाएंगी। बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है बहन जी। अमरोहा में, अमरोहा से जो है कितने बसें या कितनी गाड़ी आए यहाँ के लिए? कम से कम 40-45 गाड़ी आई होगी। कितने लोग आए होंगे? अब आप लगा लीजिए सारी गाड़ी सीटों से भी ओवर हैं सभी लोग, जितने गाड़ियों। जिस तरह से यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि 40 बसें आई हैं यहाँ पे, और 40 बसों में जो है सभी लोग पूरी तरह से फुल थे और खड़े होकर आए हैं, और लंबा सफ़र था। कल ही 8 तारीख को जो है 10 बजे पहुँचाए थे यहाँ स्थल पर जहाँ कार्यक्रम है, और ये बता रहे कि 3,000 के आसपास जनसंख्या थी इनकी। और जनसंख्या कहाँ है आपकी? जी हमारे कुछ से ये बैठे हैं, दिखा दीजिए, बहनें बैठी हैं हमारी। अभी उधर भी हम बात करेंगे उन जनसंख्या से, और हमारे पुरुष लोग इधर बैठे हैं और बाकी इधर उधर हैं जो ग्राउंड में हैं, पीछे हैं कुछ लोग। अच्छा, मान्यवर कांसीराम साहब को जानती हैं? जी जानते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो बस हम बार बार धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करेंगे उनको कि बस जिस तरह से हमारे दिलों में वो बसे हुए हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनके कारवां को आगे ले जाएं, और बहन जी उसी काम को कर रहे हैं। और जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब से जो है कब से प्रेरित हैं आप, बहुजन समाज पार्टी में कब से जुड़े हैं? मैं तो जब से मैंने जन्म लिया है, मैं जब से ही बाबा साहब को जानती हूँ, मैं तो उस समाज में जन्मी हूँ कि मेरे तो माता पिता और दादा और परदादा सभी बाबा साहब के अनुयायी हैं, और मैं उसी समाज से पैदा हुई हूँ। बचपन से ही बचपन से लगे हैं आप? मैंने सिर्फ बाबा साहब को ही जाना है, उनको ही पढ़ा है, उनको ही देखा है। अच्छा जी, और किसी पार्टी को और किसी नेता को नहीं देखे हैं? देखा सबको है, लेकिन जानती और मानती मैं उनको, जानती सबको हूँ, मानती मैं सिर्फ उनको। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं पीछे बैठे, हम उनसे भी बात करेंगे। 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर जो है यहाँ काफ़ी जो है लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या विचार है। वो माननीय बहन जी को सुनने आई थी, तो पहले तो बात करेंगे। हमारे साथ में चाचा हैं, चाचा जो है क्या लगता है आप किस लिए आए हैं?
मेरा नाम देशराज सिंह बौद्ध है, मैं जनपद ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा से आया हूँ और हमारे साथ लगभग 3,000 लोग आए हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी के 15वें पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और हम उनसे बहुत भली भांति प्रेरित हैं क्योंकि उन्होंने यूपी के ही नहीं समस्त भारत के बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम किया है, बहुजन समाज को जगाने का और बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने का उन्होंने काम किया है। आज अगर बहन जी 4 बार सत्ता में आई हैं तो ये मान्यवर साहब कांशीराम जी की बदौलत है। कुछ लोग कहते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत से जो है मायावती अलग हो गई। हाँ बिल्कुल, उनका वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कहते हैं क्योंकि विरोधी को कहना भी यही चाहिए, वो लोग बहन जी से जलते हैं, वो लोग हमारे समाज को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, वो लोग हमारे समाज में फूट डालने का काम करते हैं, हमारे लोगों को बहकाने का काम करते हैं। बहन जी जो कर रही हैं वो वही कर रहे हैं जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सोचा था, उसी सोच को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने आगे ले जाने का काम किया। साहब कांशीराम जी के बाद बहन जी उसी मिशन को आगे लेकर चल रही हैं जिससे दूसरे लोग बौखला जाते हैं, क्योंकि ये मिशन एक क्रांति का मिशन है, देश की जागृति का मिशन है, उत्थान का मिशन है, विकास का मिशन है। इसलिए कोई दलित इस देश का उत्थान ना करे, इसलिए हमारे समाज को, बहुजन समाज को उनके असली कारमा से बहकाने और भटकाने का काम करते हैं ये विरोधी पार्टियां, विरोधी दल। अभी जो वर्तमान में पार्टी चल रही है, इनके काम से काज से जो इनका वर्तमान में सरकार है, जो बेरोजगारी पे कितना नज़र है आपका, क्या सोचते हैं? ये तो बिल्कुल ही अगर सही मायने में कहा जाए तो दलित विरोधी, और आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार कभी इस देश में आई ही नहीं जितनी, क्योंकि दलित हत्याएं और जातिवाद के नाम पर ये लोगों को में दंगा फूट और बीज बोने का काम कर रही है ये पार्टी। मंदिर मस्जिद गाय भैंस और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये पार्टी चलने वाली है, ये मानवता का तो इसमें नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, ये वर्तमान में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, बीजेपी को किस नज़र से देखते हैं? बीजेपी जो है मंदिर बनवा दी, राशन दे रही है, उसको क्यों नहीं लाइक करते? हमारा उद्धार मंदिर से नहीं, हमारा उद्धार स्कूलों से, यूनिवर्सिटीज से, अस्पतालों से होगा। अगर मंदिर बनेंगे तो हमारे यहाँ भिखारियों की संख्या बढ़ेगी, और यूनिवर्सिटी बनेंगे तो हमारे अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। और जो है हिंदुत्व की बात करें तो लगातार चिल्लाते हैं योगी जी कि दलित समाज से हनुमान आते हैं, बजरंगबली आते हैं, क्या सही है? ये उनकी सोच है, जो अगर वो बंदर है तो वो जानवर जानवर है, वो हनुमान अगर बंदर है तो वो जानवर है, वो इंसान में उसकी इंसान से तुलना नहीं की जा सकती, तो हम उसको दलित कैसे मान लें? वो दलित है तो हम दलित नहीं हैं। अगर हनुमान दलित है तो हम अपने आप को कहते हैं हम दलित नहीं हैं, क्योंकि वो जानवर है। क्या लगता है अमरोहा में अब की बार बीएसपी के विधायक जो है बहन मायावती जी को जिताएंगे, मुख्यमंत्री बना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारा प्रयास यही है और हम पूरा जोर लगा रहे हैं। हमारे ज़िले में अब के पहली बार ऐसा है कि जो बहुत अच्छी लहर बहुजन समाज पार्टी के हक में, जो उनके समर्थन में बहुत अच्छी लहर बनी है हमारे जनपद अमरोहा में, चारों सीटें, हो सकता है कि चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएं। जिस तरह से यहाँ पे सुनने को और देखने को मिला, जनपद अमरोहा में जो है 4 सीट जो है बसपा के खाते में जाएगी, यहाँ पे बहुत सी भीड़ है। हम इन युवाओं से भी बात करेंगे जो एक टी शर्ट पहनकर खड़े हैं, जो है फीरे सिंह गुजर हैं, गुजर समाज से आते हैं क्या भैया आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। हाँ, कहाँ से हैं? ग्राम जैतोनी तहसील हसनपुर डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी। अमरोहा से आप भी हैं? अमरोहा से। कितने लोग आए होंगे? हम लगभग 50 के करीब लोग आए हुए हैं, हमारे गांव के हमारी बहनें भी हैं,
औरतें भी हैं और हमारे भाई भी हैं। किसके तरफ से आए हैं? हम बहन मायावती जी की तरफ से आए हैं और हमारे नहीं, वो जो अपने जिले से जब आप चले थे किस गाड़ी से आए हैं, या अपना पैसा लगा के आए हैं या ट्रेन से आए हैं? हम तो अपने अमरोहा जिला हसनपुर विधानसभा से विधानसभा पलते वहाँ के हमारे बसपा पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने टिकट दिया धीरे सिंह गुर्जर को, उनकी तरफ से हम लखनऊ आए हुए हैं। हमारे साथ में काफ़ी महिलाएं उस तरफ हैं, हम चाह रहे हैं महिलाएं से भी बात हो, क्योंकि महिलाएं जो है मीडिया पे कम हिस्सा ले पाती हैं। चाहे हम चाहते हैं कि एक ही दो शब्द मायावती के लिए बोले, और बोलना ज़रूरी है, अगर बहुजन समाज मायावती के लिए नहीं बोलेगा तो पीछे रह जाएगा। क्या लगता है बहन जी, आपकी बार सरकार में आएंगी? आप लोग बोलिए, क्या लगता है? लगता है देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, देखने में लगता है बिल्कुल 100% भीड़ है। क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपके बसपा की सरकार जरूर आएगी। कहाँ से हैं जी? अमरोहा जिले से। नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञा है। यहाँ की महिलाएं भी जो है रट लगा के बैठी हैं कि अब की बार बसपा आएगी। मेरा भागवती। भागवती नाम है, कहाँ से? मतलब अमरोहा जिले से। कहाँ से? अमरोहा जिले से। अमरोहा जिला से। बसपा को कब से जानती हैं? बसपा को कब से जानती हैं? तो मायावती की सरकार है, उसे कब से जानती हो? जब से हमने कहा वोट समाज। वोट किसको देती हैं? वोट मायावती को। कौन से समाज से हैं? बहुजन समाज। गुजर समाज से हैं। क्या लगता है आपकी बार मायावती जीत जाएंगी? मायावती जीतेगी, हमारे गरीबों की सहायता करेगी, जीतेगी। तो क्या योगी जी नहीं कर रहे हैं? क्या अच्छा ना, योगी जी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। हमारे लिए कुछ नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया है? नहीं, उसकी एक तो उसकी सरकार में जो है उत्पीड़न इतने बच्चों के लिए मतलब उनके बलात्कार हो रहे हैं। अभी हुआ उन्होंने तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब गलत है। उनका अंधविश्वास है, दूसरों को ये बहकाते हैं, सब कुछ दिखावा करते हैं। वो सिर्फ दिखावा ही है उनके। बेरोजगारी पे बात करें तो योगी सरकार कहाँ तक सफल रही? मेरे हिसाब से तो हमारी तरफ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसका। मेरे लिए तो कुछ नहीं लगता उसके लिए। अच्छा, आप पढ़ते हैं? यस, पढ़ते हैं। क्या लगता है जो कोरोना के टाइम जो है प्रमोट कर दिए गए हैं, शिक्षा का स्तर गिर गया है या बढ़ गया है? गिर गया है बिल्कुल। क्यों गिर गया है? अरे उनको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन उनको तो कुछ भी नहीं पता ना, क्या मालूम कि उन्होंने क्या पढ़ा क्या लिखा। बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई बेकार होगी, घर में बैठे हैं बस, मतलब पढ़ाई के पीछे ही उनको पीछे कर दिया जाता है कि प्रमोट कर दिया। वरना अब इतनी सारी जनता है, उनको बुला लिया गया, सड़कों पे भीड़ भाड़ क्या नहीं चल रहा है, उनका सब कुछ चल रहा है। वो तो दोबारा से भी कहते हैं कि जो एग्ज़ाम देने की इच्छुक हैं दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा क्यों? ये इसके बारे में तो मैं नहीं जानती। अब वो प्रमोट किया गया है तो दोबारा से क्यों एग्ज़ाम दें, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब तो वो कहेंगे ना, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं उनके, तो अपना अपनी बढ़ावे के लिए मतलब कि अपना अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए दूसरों को तो कहेंगे ही वो इस बारे में। आपका वोट किधर जाता है? मेरा बसपा की तरफ। बसपा की तरफ जाता है? इसके पहले भी जाता था? नहीं, मेरा तो बसपा की तरफ जाता है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी बहनें हैं, लड़कियाँ हैं, वो भी बसपा से प्रेरित हैं, तो आइए दूसरी तरफ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीसा है। क्या लगता है मायावती जी के बारे में, क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि आपके मायावती बहन जी जरूर जीतेंगी और हमारे जो जो सपने हैं उन्हें जरूर पूरा करेंगी। मायावती जी को ही क्यों पसंद करते हैं? बहुत सारे नेता हैं, क्या कारण है? नहीं, हमारे लिए यही अच्छा, तो इसीलिए हम इन्हीं पसंद करते हैं मायावती जी को। यहाँ पे महिलाएं भी जो है काफ़ी प्रेरित हैं और बसपा के लिए रट लगा के बैठी हैं। काफ़ी भीड़ लग चुके हैं, यहाँ पे युवा भी हैं, और हमें लगता है ये आने वाली सरकार हमारी BSP ये आपके उत्तर प्रदेश में यही रहेगी। अच्छा, आपकी बार BSP की बनाएंगे? यस, यही रहेगी और अटल रहेगा, हमारा वोट अटल रहेगा बिल्कुल, यही सरकार आनी। इसके पहले कहाँ वोट देते थे आप? कहाँ, हम तो अपने को देते हैं। अपने को मतलब? BSP को देते हैं। BSP को? कौन से समाज से हैं? दलित से हैं। दलित में कैसे, कौन सी बिरादरी? जाटव। जाटव? जाटव। यस। नहीं, जाटव तो जो है पश्चिमी तरफ जो है भाजपा। तो हम जिला अमरोहा से हैं। नहीं नहीं, हम जाटव हैं। यहाँ सारे अमरोहा के लोग? यस, अमरोहा के सभी अमरोहा। हाँ, राजकुमार। राजकुमार नाम है। बहुजन समाज पार्टी को कब से जानते हैं? इसे काफी दिनों जानते हैं, 15-20 साल से जानते हैं। 15-20 साल से अगर जानते हैं तो 15-20 साल से वोट भी करते होंगे? वोट भी कराएंगे। आज तक बात इसे जो BJP को वोट दिया है, दूसरे इसे बहुजन को वोट दिया है, दूसरी पार्टी को आज तक दिया ही नहीं है हमने। और इस साल भी उम्मीद। उसके अलावा भी देखा जाए तो अखिलेश है और योगी हैं, तमाम सारी पार्टियां हैं, उनको क्यों नहीं ध्यान देते आप लोग? उसको जो है हमने तो आज तक बहुजन को ही देते चले हैं, और बहुजन को ही देंगे हम लोग। और बहुजन को ही देंगे। बहुजन समाज जो है 85% की ही तो पार्टी है सपा।
हम और कुछ देते नहीं आज तक, कोई वोट नहीं। सपा को क्यों आप नहीं लाइक करते हैं, इसका कारण क्या है? उसको हमें नहीं पता अगला। बस 2022 के चुनाव में बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और जो अन्य पार्टियां हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, जो बता रहे हैं कि बीएसपी कहीं नहीं दिख रही, वो आ जाके यहाँ देखें कि बीएसपी कहाँ इस समय। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलते हैं, जो पैसे से बुलाए जाते हैं, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी का जनार्दन है, बहुजन समाज पार्टी का रैला है जो बहन मायावती को सुनने आया। तो चाचा क्या राय है आपकी? बहुत लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, पैसे पे जाते हैं, वो अपने ही समाज के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नकद पैसा लेकर जाते हैं, लेकिन हम उधार आए हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो हर गरीब पैसे वाला होगा, हर गरीब को रोज़गार मिलेगा, बेरोजगार को रोज़गार मिलेगा, सबको धंधा मिलेगा, अपना अपना काम मिलेगा, इसलिए सब पैसे वाले होंगे। हम तो भविष्य के लिए आए हैं, हालांकि आए हम भी पैसे के लिए हैं ताकि हम पैसे वाले बने, लेकिन वो नकद 300 रुपए लेके भाजपा के लोग मजदूरी पर बुलाते हैं बेलदार वो काम करने के लिए, कि हमारे नारे लगाओ 300 रुपए में, लेकिन यहाँ सब जो है समर्थन करने के लिए आते हैं, वास्तविक अनुयायी आते हैं यहाँ, जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं, तन मन से भूखे प्यासे रहकर यहाँ बहन जी के नारे लगाते हैं यहाँ सब। बड़े बड़े जो है नेता भाजपा के सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि अब दलित बिकाऊ हो गया है, अब उनको जो है पैसे के लालच में खरीदा जाता है, और विरोधी पार्टियों जैसे भाजपा हो, कांग्रेस हो, उन पर वोट दिलवाते हैं, क्या राय है? विरोधी कुछ भी कह सकता है, वो आज़ाद है कहने के लिए, और वो इतना ही नहीं, वो बहुत कुछ कहें, अभी और भी कहेंगे, जितना हम आगे कदम बढ़ेगा वो बौखलाएंगे और हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तरह तरह के। यहाँ पे जो है सभी अमरोहा के लोग थे, और यहाँ पे सुनने को टोटल यही मिल रहा है कि 2022 का जो मिशन है, 2022 में टोटल की टोटल बहन मायावती जी आएंगी, तो हमारे साथ में बुजुर्ग दादी जुड़ चुके हैं। दादी आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा। यशोदा, क्या मायावती को सुनने आए हैं? हाँ, सुनने भी आए हैं, देखने भी आए हैं, मदद में भी आए हैं। मदद में भी आए हैं, किस तरह का मदद करेंगे? है? मदद किस तरह का करेंगे? वोट का वोट का अधिकार जानती हैं? हाँ, जाने क्या जानती हैं? बहुत दिन हो गए इनके इंतजार में ही। इसके पहले कभी मायावती को देखा था आपने? हाँ देखा। कहाँ पे? जोए देखा। कहाँ पे? जोए 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 में जोए में किस समाज से हैं, किस बिरादरी से हैं? हम जाटव हैं। जाटव हैं। टोटल हमको लगता है कि बसपा से ही आप लोग समर्थ। हाँ हाँ बिल्कुल बसपा से। इसके पहले किसी अन्य पार्टी को वोट नहीं दिए क्या आप लोग? इसकी पार्टी को, दूसरे पार्टी को, बसपा को देने लगे हैं? हमारे खुद ही, जब हमारी पार्टी का आदमी है तो हम तो अपने को ही वोट देंगे ना, अपने को जिताएंगे, हार हो या जीत हो तो नहीं, नहीं। पता। ये जाति के नाम पे देते हैं या धर्म के नाम पे वोट देते हैं, हमें ये बताइए। भैया हम तो अपने उस पर ही दे मेरे जात की का बिरादरी का, हम तो जब जिसको वोट देना अपना ही नहीं देते हैं, हम तो नहीं देते हैं। क्या लगता है आपकी बार 2022 में दादी, क्या लगता है जीतेंगी? जीत भी सके हैं जी, ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में, जनता के हाथ में। यहाँ पे दादी अभी बताएं कि जनता के हाथ में मतदान है, वोट है, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो हम चाहेंगे ऐसे ही दूर से एक एक शब्द जो है बहने बोले, क्या चाहती है आप लोग, बसपा जीते या ना जीते? उसका काम अच्छा नहीं है इसलिए नहीं। बसपा जीतेगी। हाँ, योगी क्या नहीं जीतेंगे? उसका काम अच्छा नहीं है इसलिए नहीं। ऐसा काम अच्छा नहीं है, राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, राशन दे रहा है, राशन महीना का एक के नाम पर 4 किलो दे रहा है, उसके जो मिर्च मसाले जो खाने के और आइटम पड़ते हैं वो कौन देगा? पढ़ाई करती हैं, अब तो ऑनलाइन पढ़ाई कर दी गई है, क्या अच्छा है? नहीं, जिसके पास पैसा है वो तो मोबाइल खरीद सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे करते? आप ऑनलाइन पढ़ाई क्या करें? नहीं, बेकार है सब कुछ ये, जिसके पास पैसा होगा वो तो खरीद सकता है, जिसके पास पैसा या कुछ नहीं होगा तो वो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। हाँ, उनका सीधा एक रट्टा है और वो शायद हमको लगता है कि वो फिसलेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो टोटल माननीय बहन जी को जिताएंगे। और इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, फेसबुक आईडी ट्विटर सब।